रेप और ब्लैकमेल सहित अन्य आरोपों में दर्ज मुकदमे में इटावा के चर्चित मौलाना जर्जिस को आज वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट सजा सुनाएगी। इससे पहले कोर्ट ने मौलाना जर्जिस को दोषी करार दिया था। आपको बता दें कि मौलाना के खिलाफ यह मुकदमा 17 जनवरी 2016 को वाराणसी के जैतपुरा थाने में दर्ज किया गया था। वही मुकदमा दर्ज कराने वाली पीड़िता के अनुसार मौलाना ने उसे एक होटल में बुलाया था। वही होटल में मौलाना ने उसके साथ रेप किया और फिर उसका अश्लील वीडियो बनाया, जिसके बाद निकाह का झांसा देकर मौलाना ने उसके साथ अलग अलग होटलों में कई बार दुष्कर्म भी किए। वही विरोध करने पर समाज में बदनाम करने के साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद पीड़िता ने जैतपुरा थाने में मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।